नमस्कार, मैं रूप किशोर राजपूत। क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और जानकारी करते हैं यहाँ की जनता का क्या रुझान है। आप देख रहे हैं क्रांतिकारी खबर, पत्रकार विशाल नारायण शर्मा के साथ। आइए जानकारी करते हैं क्षेत्र की जनता से। मैं रूप किशोर राजपूत, क्रांतिकारी खबर, अलीगढ़। चाहिए भैया, मैं जा रही ना। फिर भी बताओ, महंगाई महंगाई तो है, ज्यादा हो रही है। गरीब भैया तो मर रहा है उस समय, लोग तो गरीब कहाँ से खाए। किसको चाह रहे हो आप, क्या चाहते हो, मतलब कैसे परिस्थिति हो जाए जो मतलब आपको सहूलियत मिले। हमारी तो है अभी इतना तो हमारा कोई ना कहता कि खुल के वो हो जाए बजाए। फिर भी आप क्या चाहती हो सरकार से। हम तो यही चाहते हैं गरीब भैया ये सही रहे और मेरी मेहनत बढ़े गरीब भैया की। भ्रष्टाचार कम है, गुंडागर्दी कम है। किस में, अब जहाँ सरकार में, जहाँ सरकार में गुंडागर्दी कम है। अच्छा, महंगाई पे क्या कहूँ, महंगाई ज्यादा है। जैसे क्या आपको ज्यादा लगी पिछली सरकार में। अब देखो सिलेंडर कहाँ पहुँच गए, खाद की कीमत कहाँ पहुँच गई, डीजल कहाँ पहुँच गई, गैस कहाँ पहुँच गई, हर चीजें महंगाई है। हर चीज में महंगाई, मतलब कहीं ना कहीं जो जो सरकार है पिछली ये महंगाई पे कर रही है। महंगाई तो कर ही रही है। फिर भी आप किसको पसंद करेंगी, अगर अगर मौका लगा तो किसको चुनना पड़ेगा। थोड़ा सा बनाई सरकार तो सब कहते हैं। फिर भी आपको कुछ तो आपको अपना लगा होगा कि किसको चुनना है। मुझे मोदी योगी बढ़िया है। मोदी हेमंत वर्मा सर, सबसे बड़ी मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस बार जो जनप्रति कैसा होना चाहिए और क्या दिशा आप बनती दिखाई दे रही है चुनावी सरगर्मी में। जनप्रतिनिधि हमारा ईमानदार और कर्मठ और विकास करने वाला होना चाहिए और जनता केवल विकास ही मांगती है। ये देखना चाहती है कि हमारे यहाँ बिजली, पानी, सड़क, इनमें गड्ढों, इनसे जल भराव की समस्या जो कि आम शहर में बनी हुई है, इससे हमें निजात मिलनी चाहिए। तो पिछली सरकारों में क्या देखने को मिला है और क्या आप चाहते हैं। विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ है, लेकिन और जितना होना चाहिए उस लेवल पर नहीं हुआ, लेवल थोड़ा कम रहा। तो कहीं ना कहीं महंगाई का मुद्दा, और महंगाई का मुद्दा ये, महंगाई तो कोई भी सरकार आ जाए, महंगाई हर सरकार में हमने बढ़ती हुई देखी है। लेकिन लोगों का कहना यह कि 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया और जो 360 का था 2014 में, बीजेपी और 200 रुपए तेल हो गया, 115 रुपए पेट्रोल हो गया, 100 रुपए डीजल हो गया। बीजेपी को घेरने की कोशिश है जी, बीजेपी को घेरने की कोशिश है। और महंगाई है मानते हैं, लेकिन ये महंगाई किसी से नहीं रुकने वाली, चाहे कोई भी सरकार आ जाए जी। ये डिप्लोमेटिक मैटर है क्या। बिल्कुल, ये तो एक जमीन से जुड़ा मुद्दा है, इसमें कुछ भी कोई नहीं कर सकता। आपको ये दिशा कहाँ दिखाई दे रही है, ये चुनाव कहाँ दिखाई दे रहा है प्रदेश में। मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि दोबारा जो योगी सरकार आने की पूरी पूरी संभावना है। किन मुद्दों को लेकर, अगर योगी सरकार ही वापस आती, किन मुद्दों को लगता है आपको कोई मुद्दे। अरे हमने देखा पिछली सरकारों में बिजली की समस्या बनी रहती थी, कई कई घंटे रोस्टिंग कटौती हुआ करती थी, लेकिन आज नहीं है वो जी। और सड़कें भी काफी स्थिति में सुधरी है, आप चले जाइए किसी भी रोड पर, सड़कों का विकास ऑल ओवर देखा जाए तो विकास काफी समय से हो ही रहा है। तो इस वजह से मन हम लोग बना रहे हैं कि चलो दोबारा मौका दिया जाए। नहीं, वैसे अखिलेश की सरकार में भी काफी विकास हुए थे, फ्लाईओवर बने थे, कई एक्सप्रेस वे बने, नो डाउट के वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं, हम मानते हैं अखिलेश सरकार ने भी काफी कुछ किया, लेकिन योगी सरकार ने भी अच्छा किया। उनकी सरकार में बिजली की समस्या थी, इनका कहना यह है गुंडागर्दी बड़ी है, वो जो रोकी है हमने। हाँ, गुंडागर्दी पे बहुत अंकुश लगा अब वो। कल ही घटना हुई है सेंटर पोर्ट, 25 इलाके में गोली मारी गई है, एक दलित युवक को ठाकुर ने गोली मारी है, क्या कहना चाहेंगे। अब ये तो नहीं, कल ही की घटना है। हाँ, कल ही तो कैसे मान लिया जाएगा कि शहर में लाइन ऑर्डर ठीक ठाक है। दिनधाड़े गोली मारी है, अभी पनेटी में बता रहे हैं कि दौड़ में गोली मारी गई है। अंकुश लगाने की जी, आपका नाम। सोनेन्द्र सारस्वत जी। सोनू सारस्वत। सोनी सारस्वत जी, किस दिशा में आप देख रहे हैं चुनाव को, की धुरी जो है वो कहाँ, किस ओर मुड़ रही है, क्या है।
कुछ नहीं साहब, योगी जी की लहर है, लेकिन टक्कर जो है वो अखिलेश यादव देंगे। सरकार तो योगी जी की बनेगी, बीजेपी की बनेगी, लेकिन अखिलेश यादव बहुत आगे बढ़ चुके हैं पिछले साल की अपेक्षा। पिछले साल की अपेक्षा जी। अच्छा, कुछ ये बताएंगे कि किस तरीके के कार्य जो है पिछली सरकारों के आपको लगे हैं, जो अच्छे हैं, जो जो आपको लगा कि हाँ ऐसा मुख्यमंत्री चुना जाना? नहीं, काम तो बहुत सारे हुए हैं, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाए, और भी बहुत सारे काम हुए हैं। और क्या, और तो सब ऐसे ही हैं। फिर बाकी ये तो सब नेता वगैरह जो भी होते हैं, विधायक हो, सांसद हो, सब अपनी जेब ही भरते हैं। उसके अलावा जमीन पर तो काम नाम आपके बराबर होता है, 100% में से 20% काम जमीन पर होता है, बाकी का सब ऐसे होता है। नहीं, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से 115 रुपये लीटर पेट्रोल और 200 रुपये किलो सरसों का तेल घटा तो थी जी, चुनाव आने से पहले घटा थी, अब वो 95 पे ले आए, 95 रुपये पे ले आए। कोई अंतर पड़ा, कोई महंगाई में कोई अंतर पड़ा इस बात से? देखिए सर, बीजेपी की सरकार जो है वो महंगाई की वजह से ही चांसेस कम है उसके, नहीं बीजेपी की सरकार में कोई कमी नहीं है महंगाई की वजह से। आप कुछ कहना चाहोगी महंगाई पे? नहीं, आपको क्या लगता है कि महंगाई है? आपको लगता है महंगाई है? महंगाई तो है। तेल क्या भाव ला रही हो? 2000 रुपया किलो बिको तेल। और 200 रुपये? हाँ, 200 रुपये किलो। और सिलेंडर? सिलेंडर 1000 रुपया बिको है। बिका आप ले रही हो उसे? गरीब आदमी को है जी। क्या लगता है आपको चुनाव में, मतलब महंगाई कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए? महंगाई कोई ना भाई, इतनी अब महंगाई है गई हैं, इतनी अब महंगाई है गई, इसलिए महंगाई है गई। मतलब कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए? कम होनी चाहिए महंगाई। अच्छा, आपको लगता है कि 1000 रुपये, 1000 का सिलेंडर आपको महंगा पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? और तेल सरसों का 200 रुपये किलो में महंगा ना, तेल कब खाया, 200 रुपये किलो महंगा, तो कहीं ना कहीं आपको आप पे बोझ पड़ गया। और का, गरीब आदमी 300 रुपये कमा के ला रहा, कहाँ से लावे वो इतना? तो आप ऐसी कौन सी सरकार चुनेंगी जो गरीबों को, जो गरीबों को फायदा करेगी? वहाँ जाऊंगी। किसका मन बना रही हो, क्या लग रहा है? फिर भी इसको आधी आबादी तो आजकल पूरी दिशा तय कर रही है हिंदुस्तान की, आप बताओ देखो का टाइम लगे, कौन को टाइम लगे, फिर भी अंदाज, कोई अंदाज तो होगा? भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस, हाथ के पंजे पे बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, इतना तो आपने ये तो